आत्मा पाप से वर्षा पाती है, पाप ज्ञान का सागर है। क्या अज्ञान का सागर कौन? पाप तो ज्ञान का सागर, फिर अज्ञान के सागर कौन है? अरे रावण है अज्ञान का सागर। जो अनेक सिरों वाला है वो है अज्ञान का सागर, और जो एक सिर वाला है वो है अज्ञान का सागर। रामलीला खेलते हैं तो राम को कितने सर दिखाते हैं? एक सर दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक बुद्धि से एक ही तरह की बात निकलती है, दूसरी तरह की बात नहीं निकलती। और जो दस सिर वाला है कितनी बातें करेगा? दस तरह की बातें करेगा। इसलिए जो दस तरह की बातें करने वाला है उससे अज्ञान निकलता है। एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, वो सब झूठ बातें हो जाती। अनेक बातें हैं तो झूठ, एक है तो सत्य, माने सत्य है एक और असत्य है अनेक। पाप ज्ञान का सागर। देखो तुमको समझाते समझाते 30 वर्ष हो गए हो, 67 की हो रही है रात्रि क्लास, तो तुमको समझाते समझाते कितने वर्ष हुए होंगे? 30 वर्ष हुए होंगे। ये निराकार भगवान वाच है सब आत्माओं की। क्या सब आत्माओं के प्रति जो उवाच करता है वो कौन है? निराकार भगवान। ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, ये भी पढ़ाई पढ़ने वाला है, ये पढ़ाई पढ़ाने वाला ये भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही होता है और उसको कोई पढ़ाई पढ़ाए नहीं सकता। और ब्रह्मा को किसने पढ़ाई पढ़ाई? कब? एक आदि में मुरली में तो आता है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्ट कर देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेगी। तो थे ना ऐसे बच्चे। तो यही कि आज में भी जिन बच्चों ने मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाई होगी वो अभी दूसरा जन्म लेके मम्मा बाबा से पढ़ाई पढ़ेंगे? या मम्मा बाबा से पढ़ाई पढ़ने वाले दीदी दादी दादाएं जो बैठे हुए हैं उनसे पढ़ाई पढ़ेंगे? नहीं, उनसे पढ़ेंगे कि और उनको बैठ के पढ़ाएंगे? कैसे ना, ये तुम्हारा भी गुरु है। तो 30 वर्ष हुए होंगे तुमको समझाते समझाते। ये समझानी निराकार शिव भगवान वाच है सब आत्माओं के प्रति है। क्या सब आत्माओं? जो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं उनके लिए है ये पढ़ाई। तो ये पढ़ाई कौन से बच्चे पढ़ पाएंगे और कितने बच्चे पढ़ पाएंगे? साढ़े 4 लाख आत्मा पढ़ पाते। क्या जो प्रजावर्ग की आत्माएं होगी, पहली डायनेस्टी की, संगम की डायनेस्टी की, वो सारी पढ़ाई पढ़ने वाली होगी। प्रजा पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी भी ये विशेषता होगी। क्या क्या विशेषता होगी? ये ज्ञान में दुनिया की सब आत्माओं से तीखी होगी। सारी दुनिया को वो पढ़ाई पढ़ाने वाले चमकते हुए सितारे संसार में नजर आएंगे और सारी दुनिया में फैले हुए होंगे। क्या सारी दुनिया में सब देशों में सब धर्मों में फैले हुए होंगे, सबको पढ़ाई पढ़ावेंगे, लेकिन उनको कोई पढ़ाई नहीं, दूसरे धर्म वाला नहीं पढ़ाई पढ़ा सकता। तो ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, ये भी टीचर नहीं, सुप्रीम टीचर नहीं है। जैसे बेसिक नॉलेज वाले क्या समझते हैं?
कि गीता का भगवान कौन है, साकार में कौन है, दादा लेखराज, दादा लेखराज, वो तो दादा लेखराज ब्रह्मा को ही गीता का भगवान समझते हैं। तो सुप्रीम सोल हो गया ना, सुप्रीम टीचर हो गया ना, कौन उनकी नजर ब्रह्मा बाबा सुप्रीम टीचर हो गया। और बाबा मुरली में क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, पढ़ाई पढ़ रहा है, माने ये भी कोई साकार से पढ़ाई पढ़ने वाला है, ये भी कोई सुप्रीम टीचर का रूप नहीं है, ये कोई गीता का भगवान नहीं। भगवान नहीं है, पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, एक शिव बाबा और दो शिव बाबा। बिंदी को बाबा कहा जाता है क्या? निराकार साकार के मेल को बाबा। जब निराकार ज्योति बिंदु कोई साकार में प्रवेश करे और संसार में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष हो जाए तब वो शिव बाबा, तो निराकार साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। दुनिया के जो भी संबंध है सिर्फ बाबा की बात नहीं, बाबा माने ग्रैंडफादर की बात नहीं, ग्रैंड मदर चाहे ग्रैंडफादर चाहे इल्डर ब्रदर चाहे छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, कोई भी संबंध दुनिया के बनते हैं वो निराकार और साकार के मेल से बनते हैं। एक संबंध ऐसा है जिसमें निराकार साकार मिलने की बात नहीं है, वो कौन सा संबंध? बाप और बच्चे, बाबा और बच्चे नहीं, बाबा माने ग्रंथ बदर, बाप सुप्रीम सोल शिव और बिंदी बिंदी आत्माएं हम सब बच्चे। वो एक ही संबंध ऐसा है जो शिव के साथ बनता है, शिव ज्योति बिंदु के साथ, लेकिन जब वो शिव ज्योति बिंदु साकार में आता है तो अनेक प्रकार के संबंध बच्चों के साथ जोड़ता है। तो ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला तो एक शिव बाबा है, फिर तुम सब सीख करके पढ़ाते हो, किससे सीख करके? शिव बाबा से सीख करके पढ़ाते क्या, और कोई से नहीं सीखते हो तुम? नहीं, तुम शिव बाबा से सीख करके पढ़ाते हो, तुम ब्रह्मा से सीख करके नहीं पढ़ाते हो, ब्रह्मा खुद अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है क्या, अभी भी ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ाने वाली नहीं है, उसको साकार में पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा कुमारी इस बात को मानेगी? नहीं मानेगी, वो तो नहीं मानेगी, वो तो सुप्रीम टीचर था, गीता का भगवान था, तुम गए है वो कहा से गीता का भगवान बोल तो ऐसे बोला, ये भी स्टूडेंट है, कृष्ण की आत्मा भी पढ़ाई पढ़ती है। तो मुरली की बात सच्ची है तुम्हारी बात सच्ची? पत्थर की लगी तो समझाना पड़ेगा क्या, कि ब्रह्मा की सोल भी चंद्रमा के रूप में शंकर में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है, भले उस बच्चे को सर माथे पर बिठाया हुआ है क्या, क्योंकि बाप की बच्चों में आस रहती है क्या, आज नहीं तो कल इसकी बुद्धि के बिखरेंगे बादल, ऐसी नवैया है, इस नवैया में बैठा हुआ है ये ऐसा कृष्ण का नैया है कि जो आज नहीं तो कल ये नैया पार जाएगा, ये नैया डूबने वाली नहीं। कौन सी नैया? शिव बाबा, जो कृष्ण का नैया रूपी आत्मा की नैया इस समय साकार है, शरीर की नैया कौन है? शिव बाबा, जगदम्बा, जगदम्बा जो है वो इस समय नैया है, भव सागर में पड़ी हुई नैया, क्या संसार सागर में पड़ी हुई नैया, विषय सागर में गोते खाने वाली नैया, वो नैया डूबने वाली नहीं है। क्यों नहीं है डूबने वाली? क्योंकि कृष्ण जैसा पहला पत्ता इस सच्ची का उस नवैया में बिखरिया है और शिव बाप उसका खिवैया, इसलिए नहीं डूबने वाली। तुझे पढ़ाई कितनी सोर्स ऑफ इनकम है, सबको ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता है, एक जन्म विकार में न गए तो क्या बड़ी बात है,
बाप कहते हैं हमारी दाढ़ी की लाज रखो, ऐसे विकार में जाने की चलन छोड़ दो, ऐसी चलन न चलो जो बाप का नाम बदनाम हो। कैसे नाम बाप का नाम बदनाम हो जाए? अरे हमारी घरवाली है, हम घरवाली के साथ विकार में जाते हैं, विकारी सुख लेते हैं, तो बाप का नाम इसमें क्यों बर्बाद हो जाए, बदनाम हो जाए? क्यों बदनाम हो जाए? नहीं हाँ, मतलब हम एक तरफ दुनिया को कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, आपस में भाई भाई, भाई, भाई भाई है, भाई बहन है, और दूसरी तरफ हम कुकर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? दुनिया में हमारा नाम बदनाम, बदनाम। लौकिक में भी कोई बच्चा होता है और बहन के साथ गंदा काम करता है और दुनिया को पता चल जाता है तो माँ बाप का मुंह काला होता है ना। तो ऐसी चलो न चलो नाम बदनाम, हमारी ग्लानी मत करना, सद्गुरु का निंदक नहीं पावेगा, पद बहुत कम हो जाएगा। ओम शांति।